जी हाँ, आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन आईपीएल 2023 के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं आईपीएल की इमेज बदलने वाली है, और आने वाले टाइम में हो सकता है क्रिकेट की भी इमेज बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं एक एक करके ये तीन ऐसे पॉइंट जो इस बार आईपीएल के अंदर आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है टॉस से रिलेटेड। जब आप टॉस अभी तक होता था तो क्या होता था कि टॉस के साथ ही टीम सौंपनी होती थी, लेकिन अब क्या हो चुका है आईपीएल में, इस बार से टॉस होने के बाद आप अपनी टीम डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ, कैप्टन जो है वो अपनी टीम को टॉस के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी बैटिंग आई है बॉलिंग आई है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं। ये पहला एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड है जो डीआरएस होता था वो अब तक क्या कर पाते थे हम लोग, जब कभी भी एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, कैच आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां हम डीआरएस का उपयोग करते थे, लेकिन इस बार से क्या देखने को मिल रहा है कि अब वाइड बॉल और नो बॉल, जिसको लेकर पहले कई बार सवाल उठते रहे कि डीआरएस क्यों नहीं ले पाते, तो इस आईपीएल में वाइड बॉल और नो बॉल को लेकर भी आप डीआरएस की मांग कर सकते हो और डीआरएस वहां पर उपलब्ध रहेगा। वहीं तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट है, जो है इंपैक्ट प्लेयर, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस पूरे आईपीएल के अंदर। जी हां, इंपैक्ट प्लेयर में क्या होगा कि अगर कोई भी टीम अपने 11 को डिसाइड कर रही है, प्लेइंग 11, उसके बाद उसको फोर जो है वो अपने बैकअप प्लेयर शो करने पड़ेंगे, चार नाम बैकअप प्लेयर के लिए शो करने पड़ेंगे, और बीच मैच के दौरान किसी भी टाइम कोई भी टीम किसी भी एक प्लेयर को किसी भी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर सकती है। मतलब एक 12th मैन अंदर आ सकता है और अंदर वाला प्लेयर बाहर जा सकता है, लेकिन हाँ जो प्लेयर बाहर जाएगा वो फिर मैच के दौरान अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन एक 12th मैन भी अंदर आ सकता है। तो ये इंपैक्ट प्लेयर भी एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है इस आईपीएल के अंदर। बाकी देखते हैं भाई आईपीएल कैसा रहने वाला है ना। तो मिलते हैं फिर आईपीएल की बाकी अपडेट्स के साथ आईपीएल के दौरान। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।